बन गया हरामखोर। अच्छा वो मेरा दुश्मन क्या है, उसको इस दुनिया से तुम्हें अलविदा करना है। लेकिन मेरे दोस्त वो मिलेगा कहाँ पर? ओ वो मिलेगा कहाँ पर? हाँ कहाँ पर मिलेगा? हाँ जमनवा को जानते हो? कौन हो? लकड़हरवा? हाँ जंगल में जो रहता है। अच्छा अच्छा जानते हो? हाँ जानता हूँ। उसी के घर में इस समय वो रह रहा है। उसी के झोपड़े मुझे से रूट कर चला गया है। अच्छा उसी के घर में रह रहा है। अच्छा अगर उसको तुम जान से मार दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा। क्या उपहार आप देंगे? आप देखकर चकित रह जाएंगे। कौन सा ऐसा उपहार देंगे आप जो कि मैं चकित हो जाऊंगा? उपहार ये दूंगा। कौन सा? गंगा को अगर तुम मार डालोगे। अच्छा तो गंगा की जो पत्नी है, हाँ हाँ मेरी बहू, अच्छा जिसका नाम सरस्वती है, तो वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, अच्छा कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, ले जाके ऐसो आराम करना। ये बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ तुम्हारे बेटे गंगा को तुरंत खत्म करके आता हूँ। जाओ मेरे दोस्त जाओ। ये मेरा दोस्त राका सिंह जा रहा है, गंगा को खत्म करके आएगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहना क्या है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। तो भाई रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, तो कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है। तो ठीक है, हमारी बहन कमला के महान कृपा से और हमारे भाई जमुना के सहयोग से और उस डॉक्टर का बहुत बड़ा शुक्रिया है जिसके द्वारा मेरी आंखें ठीक हो गई। मैं दवा लेने हॉस्पिटल आया था, अब यहां से लौट कर घर चलता हूं क्योंकि जमुना भैया भी कहीं गए होंगे। मैं चलकर माँ के साथ, इतने दिन माँ ने मुझे अपना प्यार दुलार दिया, अब मैं इस काबिल हूं कि मैं माँ के कामों में हाथ बटाऊं और उसे ये पता लगे, ऐसा लगे कि मैं उसका अपना बेटा हूं। ठीक है, मैं चलता हूं अपने घर की तरफ। क्या बताऊं, अभी तक मेरा जमुना बेटा नहीं आया। ठीक है, इंतजार करती हूँ। बुढ़िया ये बता, जमुना की झोपड़ी कौन सी है? सरदार जी यही तो है। यही है? मैं जमुना की माँ हूँ। तुम जमुना की माँ हो? हाँ, आखिर बात क्या है? तब तो साफ साफ बता दोगी। ये बताओ, क्या गंगा तुम्हारे घर में रहता है? बताओ सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, साफ साफ मेरे घर में कोई गंगा नहीं रहता। कोई गंगा नहीं रहता? सही सही बता दो, तुम्हारे ही घर में गंगा रहता है? सरदार जी मैं सच कह रही हूं। क्या जमुना है घर पर? अभी तो मेरा बेटा नहीं आया। कोई नहीं है? नहीं। साफ साफ बताओ। हाँ सच कह रही हूँ, मेरा किन कहिए।
मुझे गंगा से जरूरत है, बताओ गंगा कहाँ पर है, बहुत जल बताओ। देखिए मेरे घर में गंगा नहीं रहता, मुझे मालूम नहीं। अब क्या तुझे मालूम नहीं है? साफ साफ बता दो और बता दे बुढ़िया सच। और मुझे कुछ पता लगी सरदार, कुछ नहीं पता है तुम्हें, सब पता है, तू बताना नहीं चाहती है। मुझे कुछ पता नहीं सरदार और कहा है रहती हूँ हरदम बीमार। क्या बीमार रहती है? हाँ दादाजी, रहती हूँ हरदम बीमार और कहाँ है ओ गंगा लाल। सब बता, बता रही है कि नहीं हराम खोर ने? सरदार जी मैं सच कह रही हूँ, मेरे घर में कोई गंगा नहीं रहता। क्या कोई गंगा नहीं रहता है? तो मरने के लिए तैयार हो जाए। नहीं ऐसा मत कहो, अरे मैं तो बीमार रहती हूँ। आखिरी बात समझा रहा हूँ, साफ साफ बता दे अगर गंगा रहता है तो बता दे कहाँ पर है गंगा। मैं सच कह रही हूँ, अगर नहीं मैं किसी गंगा को नहीं जानती। किसी को नहीं जानती है? नहीं जानती। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
आ तो गया। अरे कमीने, मैंने मैंने तेरे साथ क्या किया था जो तूने तूने मेरी माँ का खून कर दिया, इतना निर्दयी हो गया है तू। भैया आप ये क्या कह रहे हैं भैया? अरे नहीं भैया, मैं तो हॉस्पिटल गया था, वहां से दवा लेकर लौटा तो सोचा कि घर चलकर माँ के कामों में हाथ बटाऊंगा, और यहाँ आया तो देखा माँ तड़प रही थी, मैंने सोचा कि मैं इस खंजर को निकाल। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू, तू झूठ बोलता है। इसीलिए तू हॉस्पिटल से पहले निकला ताकि वहां पहुंचकर मेरी माँ का खून कर दे। नहीं भैया, भैया विश्वास करो भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भैया। विश्वास कैसे कर लो? अरे मैंने मैंने खुद देखा, तेरे हाथ में छुरा है और तूने मेरी माँ के। अरे मैं कैसे तूने मेरी माँ का खून कर दिया? अरे क्या मैंने मैंने तुझे इसी दिन के लिए लाया था, मैंने तुझे अपना बड़ा भाई माना था और तूने तूने उसका उसका फर्ज निभा दिया हरामजादे। अरे भैया मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भैया। अरे मैं तो आया यहां देखा तो मैं खुद ही सन्न रह गया, मैं सोचा कि मैं इस चाकू को निकालूं और माँ को हॉस्पिटल ले चलूं, जब तक आप आ गए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भैया। विश्वास करो मेरी बात का, भरोसा करो मेरी बात का, आप विश्वास करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अब भरोसा करो मेरी बात का, बात मेरी मानो भैया, अपने इस भाई पर विश्वास करो। मैंने अरे मैं कैसे विश्वास कर लूं, कैसे विश्वास कर लूं तेरे जैसे खूनी का, मेरी आंखों ने देखा है और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं, कैसे विश्वास कर लूं तुझ पर कमीने। मैं कैसे समझाऊं भैया, मैं कैसे आखिर विश्वास दिला दूं कि मैंने ये खून नहीं किया, कैसे विश्वास दिला दूं? आपने तो देखा मेरे हाथ में चाकू था, लेकिन आपको यही विश्वास है ना कि मैंने माँ का खून किया, लेकिन जरा सा इस पर विचार करो मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ। जमुना ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक कमीना, एक कुत्ता कमीना मेरी माँ का खून कर दिया। सुनो मैं आपसे बतला रहा हूं, से पेट का।
साहब, इसी ने मेरी माँ का खून किया है और चढ़ा दीजिए फांसी पे इनसे। जमुना पागल हो गए क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, इसी ने मेरी माँ का खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं पहुंचा तो एक कमीना मेरी माँ के सीने में छुरा घोप चुका था। इसी ने मेरी माँ का खून किया है। ठीक है, मैं गंगा से पूछताछ करती हूँ। भैया एक कह रहा है कि ये खून मैंने किया, लेकिन इसने अपनी नजरों से देखा है ना। लेकिन कहने से क्या होता है भैया? अरे मैं हूं कातिल माँ का, कातिल माँ का है मेरे।
अपने मुख से कह दो कि खून मैंने नहीं किया। भाई बहन, भैया, ये खून मैंने किया है। अरे मैं किस मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए बहन। नहीं पागल हो गए। अरे अभी तुम ही सोचो, क्या मेरा जमुना भाई झूठ बोलेगा? इसने सही देखा ना खून करते हुए मुझे, ये कह रहा ना कि यह खून मैंने किया, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ कि यह खून मैंने नहीं किया? अरे वाह, ये खून मैंने ही किया है। मुझे पता चल गया, मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों भाई बहन हो इसलिए तुम अपने भाई को गिरफ्तार नहीं करना चाहती हो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ इसलिए तुम इस खूनी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। तुम्हारी गलतफहमी है, क्या देखते हो? कानून सबके एक बराबर होता, क्या देखते हो? लगाओ गंगा के हाथ में हथकड़ी। राम सिंह पायल और रामचंद्र किधर गए? एक काम कीजिए, माँ कैलाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाए। पायल किधर चली गई? माई कुल मर गई, ले चला का पोस्ट मास्टर लगे धाई दे, ले चलो भैया। राम सिंह गंगा को ले चलो। हाँ प्यारे भैया, संगीत कैसे कहां से कैसे मोल ले रही है? अरे बीरल के हाल सुना दसवउ के लाल झमा कोइया ला। अरे बीरल के हाल सुना दसवउ के लाल झमा कोइया। साथियों, मुझे करना क्या है? मेरे दोस्त दौलत सिंह ने कहा था कि जाओ जमुना के घर, गंगा रहता है, उसे खत्म करके आओ, मैं तुझे वो उपहार दूंगा कि तुम उसे देखते चकित रह जाओगे। ठीक है, अब मुझे करना क्या है?